यूं तो कहने वाली बात है कि सब कुछ बदल गया, लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो कभी नहीं बदली। हम बात करते हैं उस भाजपा की जो आज केंद्र में 10 सालों से सत्ता पर है, साथ ही साथ कई एक राज्यों में उसकी सरकार है। लेकिन भाजपा का जब जन्म हुआ था उस वक्त भाजपा राम, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के जरिए सत्ता में वापसी की। लेकिन अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास कहता है कि यूं तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना साल 1980 में हुई, लेकिन इसके मूल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में निर्मित भारतीय जनसंघ ही है। इसके संस्थापक अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी रहे, जो कई एक बार प्रधानमंत्री भी बने। इसके संस्थापक अध्यक्ष के साथ साथ अगर बात कर लें तो जो पार्टी राम, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर आई, उस पार्टी के चेहरे के रूप में अगर मुस्लिम चेहरे की बात करें तो मुस्लिम चेहरे के रूप में सिकंदर बख्त को महासचिव बनाया गया। यानी कि भाजपा को मुस्लिम चेहरा भी चाहिए था, लेकिन कट्टरवादी भाजपा जो है बाद में किस सोच की हो गई, उसको समझने की ज़रूरत है। 1984 के चुनाव में भाजपा की मात्र 2 सीटें थी। भाजपा की कितनी सीटें थी? मात्र 2 सीटें थी। लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक राज्यों में भाजपा की खुद या फिर उसके समर्थक की सरकार है, यानी कि समर्थन में उसने सरकार बनाई है। 1914 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा कांग्रेस के बाद देश की एकमात्र ऐसी पार्टी बनी जिसने चुनाव भले ही गठबंधन साथियों के साथ लड़ा, लेकिन 282 सीटें हासिल कर अपने बूते बहुमत साबित किया है। भाजपा अयोध्या के राम मंदिर और हिंदुत्व भाजपा के ऐसे मुद्दे रहे जिनके चलते वह 2 सीटों से 282 सीटों पर आ गई। भाजपा को मजबूत करने में वाजपेयी और लाल कृष्ण एडवाणी की बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। साथ ही साथ अगर बात करें तो एडवाणी की रथ यात्रा ने भाजपा के जनाधार को और व्यापक बनाया। सबसे बड़ी बात है कि 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत न होने के कारण उनकी सरकार 13 दिन में ही गिर गई। 1998 में हुए चुनाव में एक बार फिर वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन जयललिता के कारण उनकी सरकार फिर गिर गई। 1999 में वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने। उन्होंने गठबंधन सरकार चलाई, हालांकि 2004 के लोकसभा चुनाव में वे सत्ता में वापसी नहीं कर पाए। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 2018 में भाजपा के हाथ में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख हिंदी भाषी राज्य निकल गए। कैमरामैन कामरान कुरैशी के साथ मैं इनामुल्ला खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।